ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के स्टार चुनाव प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा आयोजित की गई रैली को बिलासपुर सदर के विधायक सुहास ठाकुर ने हिमाचल की संस्कृति पर कुठाराघात बताते हुए कहा, नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी नहीं है और ना तो वह नेता है ना ही कलाकार है। सुहास ठाकुर ने नवजोत सिंह सिद्धू सहित पूर्व सांसद सुरेश चंदेल को चले हुए कारतूस बताया। कांग्रेस के स्टार चुनाव प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा आयोजित की गई रैली को बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने हिमाचल की संस्कृति पर कुठाराघात बताते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी नहीं है, ना तो वह नेता है और ना ही कलाकार है। नवजोत सिंह सिद्धू सहित पूर्व सांसद सुरेश चंदेल को चले हुए कारतूस बताया। उन्होंने जिस अमर्यादित भाषा का देश के प्रधानमंत्री की बेबुनियाद आलोचना करने के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग किया है, उससे जिला बिलासपुर अपमानित हुआ है। कांग्रेस की ये रैली फ्लॉप शो सिद्ध हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर प्रदेश स्तर से जिला स्तर तक दो धड़ों में बंटने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लेकर जिला स्तर पर कांग्रेस दो खेमे में बंटी हुई है। अगर कांग्रेस दो खेमों में नहीं बनी हुई है तो कांग्रेस स्पष्ट करे कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष चुनावों के समय में कहां गायब हो गया है। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से हिमाचल में भाजपा चारों सीटों पर भगवा लहराएगी। प्रदेश की जनता ने एक बार पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। चलो 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 जी सर, आज बिलासपुर के प्रेस के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जहां हिमाचल प्रदेश में बटी हुई है, वो बिलासपुर में भी बटी हुई दिख रही है। उनका जिलाध्यक्ष कहां है, पूर्व विधायक कहां है, वो कहां है कहां नहीं है किसे मालूम नहीं है। और नौटंकीबाजों को इन्होंने यहां पर बुलाया नुक्कड़ सभाओं में, और वो भी चले हुए कारतूस और नकारे हुए भारतीय जनता पार्टी से नकारे हुए नेताओं का सहारा ये ले रहे हैं। और उन्होंने उस सभा में क्या कहा, उससे वोट नहीं बढ़े हैं, उससे वोट कम हुए हैं। कांग्रेस के लोग भी ये कहते हैं कि ये हमारी ना संस्कृति है ना सभ्यता है और ना बिलासपुर की भाषा है। जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है आज जहां बिलासपुर हिमाचल प्रदेश उनकी भाषा से शर्मसार हुआ है, वहीं कांग्रेस के लोग भी अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे हैं। और बिलासपुर में लोगों ने तय कर लिया है कि यहां से अनुराग जी को चौथी बार एमपी बनाएंगे और इस देश में आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इस बार बिलासपुर में बिना किसी हिचकिचाहट के अगर यहां से बिलासपुर की जनता ने जो तय किया है वो एम्स के ऊपर तय किया है कि पहली बार हमारा बसाव हुआ है, इससे पहले हम उजड़ते रहे हैं, इस बार का वोट एम्स के नाम के ऊपर बिलासपुर के लोग वोट देने वाले हैं और ये एम्स ही निर्णायक भूमिका यहां पर अदा करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं।